मैं हूं शिल्पी और आपका स्वागत है मेरे चैनल शिल्पी कुकिंग एंड लाइफस्टाइल पर। यह है मेरा किचन। अभी मैंने खाना बना लिया है और डिनर भी कर लिए हम लोग। अब मैं किचन क्लीन करूंगी। रात को किचन क्लीन करने से सुबह फ्रेश मिलता है, इसलिए मैं किचन रात को ही क्लीन कर लेती हूं। खाना बनाने के बाद किचन थोड़ा मेसी हो जाता है, आप देख सकते हैं। ये बर्तन धुलने हैं। सबसे पहले मैं बर्तन साफ करने से स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बर्तन में से सारी ऐसी चीज़ें निकाल लेती हूँ जो सिंक में फंस सकती है। ये चाय की पत्ती है, मैं इसे भी निकाल लूँगी। अभी मैं बर्तन साफ करना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ मैंने सारे बर्तन को धोकर एक डलिए में पानी निकालने के लिए रख दिया है। रात को मैं इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ ताकि आराम से पानी निकल जाए और सुबह मैं इसे स्टैंड पर लगा लेती हूँ। अब मैं सारे कप को दूसरे वाले स्लैब पर लगा दूंगी जहाँ मैं कप रखती हूँ। ये स्लैब मैं बस सामान रखने के लिए यूज़ करती हूँ। कचरे को डस्टबिन में डाल दिया। अब मैं सिंक को भी साफ़ कर लूँगी। रोज़ मैं ऐसे ही सिंक को साफ़ करती हूँ ताकि हाइजीन मेंटेन रहे।
जनरली मैं रोज़ रात को अपने गैस स्टोव को पोंछ लेती हूँ और अल्टरनेट डेज़ पर मैं गैस के पार्ट्स को निकाल कर अच्छे से धो लेती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे पोंछ रही हूँ। उसके बाद मैं स्लैब को भी अच्छी तरह से पोंछ लूँगी। बाकी जगह को भी हम साफ़ कर लेंगे। अब खाली बॉटल्स में मैं पानी भर के फ्रिज में रख दूंगी। गैस को नीचे से बंद कर देती हूँ। अब मेरा किचन अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। आरओ का स्विच भी मैं रात को बंद कर देती हूँ। सब कुछ साफ हो गया है। अब हम चलते हैं किचन से। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।